शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। कोबरा खरीदकर लाया पति, फिर उकसाकर पत्नी को डसवाया, डमी टेस्ट में खुल गया राज। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने केरल से आ रहा है, जहां पर केरल पुलिस जो है एक केस को एक्चुअली में गुत्थी सुलझाने के लिए एक साल से उसके पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि डम्मी टेस्ट में जो है इस केस का पूरा भेद जो है वो खुल के सामने आ गया। बताया जा रहा है कि उत्तरा नाम की एक महिला की मौत जो है, निधन जो है उनका सांप के डसने से हुआ, और उनके पति सूरज जो है वो एक्चुअली में उस वहां पर मौजूद थे। इस दौरान ही एक साल से जो है पुलिस इस पूरे केस को छानबीन कर रही थी कि आखिरकार उत्तरा को सांप कैसे डस सकता है। इसी दौरान ही काफी सारे लोगों ने सूरज के खिलाफ काफी सारे बयान वगैरह भी दिए थे, सूरज के ऊपर भी डाउट था, इसीलिए इस केस को काफी नजदीकी से छानबीन की जा रही थी। एक साल के बाद पुलिस ने सोचा कि डमी टेस्ट लिया जाए, तो उन्होंने उत्तरा के कपड़े पहना के डमी टेस्ट लिया और मंजे पे जो है, खटिया पे जो है वो डमी को लेटा दिया। लेटाने के बाद एक बार सांप को उसके ऊपर छोड़ा, छोड़ने के बाद सांप ने उस डमी को कुछ नहीं किया, डसा नहीं। दूसरी बार उसको रखा सांप को और वहां पर थोड़ा सा उसको छेड़ा, जिसके कारण वो थोड़ा सा गुस्से में आया पर फिर भी नहीं डसा। तीसरी बार जो है सांप को फिर डमी के ऊपर डाला और डमी के हाथ से थोड़ा हिलवाया, जिसके कारण वो सांप जो है वो एक्चुअली में डमी को डस दिया, जिसके कारण ये डमी टेस्ट इसलिए लिया गया कि सांप के डसने पे कितना अंदर उसके जो एक्चुअली में जो दांत है वो जाते हैं, कितनी जोर से वो डसता है वो चेक किया जाए। उसके बाद जब चेक किया गया तब पता चला कि गुस्से में आने के बाद जो है सांप ने डसा है, और इतनी जोर से डसा है जो कि उत्तरा को नॉर्मली सांप कैसे डस सकता है, कि उत्तरा के ऊपर ये सब चीजें, सांप अगर गया तो नॉर्मली उसको डस नहीं सकता, जिसके कारण उत्तरा के पति सूरज से छानबीन सख्ती से की गई और सूरज ने जो है ये पूरे भेद खोल दिए। उसने बोला कि वो दो कोबरा सांप लेके आया था, एक सांप जो है उसने एक्चुअली में उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया था और उसको काफी ज्यादा उकसाया था, और उकसाने के बाद जो है उत्तरा को उसने डस लिया। इसके बाद अभी सूरज को कोर्ट में पेश करने के लिए बात चल रही है, कोर्ट में उसको जल्द से जल्द पेश किया जाएगा और उसी दौरान ही उसको एक्चुअली में सजा दी जाएगी इसके अकॉर्डिंगली। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका इस केस से जुड़ा हुआ क्या विचार है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।